फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तलत मैनू किचन। और तलत के किचन में मैं इतनी डिलीशियस रेसिपी आज बना रही हूँ जो सबको बहुत पसंद आएगी। इसको बड़े और बच्चे सब बहुत पसंद करते हैं। तो मैं बना रही हूँ बचे हुए चावलों से पिज़्ज़ा। तो ये देखिए बचे हुए चावल हैं जिसे मैं मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लूँगी। तो ऐसे ही पीसेंगे, बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। और ये पिस गए हैं तब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा प्याज है, 1 हरी मिर्च बारीक कटी है और थोड़ा सा धनिया मैंने इसमें डाला हुआ है, ये देखिए। और मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दूंगी और थोड़ा सा नींबू मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके पास अमचूर पाउडर हो वो भी इसमें डाल सकते हैं। और एक आलू जो है मैं ग्रेट करके इसमें डाल दूंगी उबला हुआ। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो चम्मच से पहले मैंने इसको मिला दिया है, लेकिन ये हाथ से बहुत अच्छे से मिलेगा, इसलिए हाथ से ही इसका एक डो तैयार कर लीजिए। तो ये काफ़ी डिलीशियस बनता है। सबके यहाँ चावल बच जाते हैं तो उसको ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे अगर ये वाली रेसिपी बनाएंगे। और 1 चम्मच मैं इसमें सूजी भी डाल रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन भी हो। तो ये अच्छे से देखिए मिल गया है। एक पैन में मैंने 1 छोटा चम्मच ऑयल डाला है और इसको सब तरफ मैंने लगा दिया है ब्रश से। और ये देखिए वो जो दो चावल और आलू का था ना, वो सब इसी पैन में रख दिया है और मैं इसे अच्छे से फैला दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छे से फैला सकते हैं क्योंकि पैन जो है अभी गर्म नहीं है। और इस तरीके से अच्छा बराबर एक बराबर करके इसको एक रोटी की तरह फैला दीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और अब मैं इसको आँच पे रख दूँगी। तो मैंने मीडियम रखी है, 2 मिनट के लिए लीड रख दी है। 2 मिनट के बाद मैं लीड हटा दूँगी। और ये देखिए अच्छे से जो रोटी बनाई है चावल और उसकी, वो सिक रही है। और 1 चम्मच मैंने मेयोनीज लिया है और 1 चम्मच मैंने टमाटो सॉस और चिली फ्लेक्स डाला है और ओरिगैनो 1 चम्मच। अगर आपके पास हो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए, चटनी ही बना लीजिए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है और ये जो है एक तरफ से सिक गया है। इस तरीके से इस पर प्लेट रख कर पलट लीजिए और दूसरी तरफ से इसको सिकने के लिए रख दीजिए। तो जिस तरफ सिक गया है इस पर मैं वही चटनी लगा दूंगी। आप चाहें तो लहसुन की चटनी भी इस पर लगा सकते हैं। और ये मेरे पास टमाटर था, आधा शिमला मिर्च थी और प्याज। तो जो भी आपके पास घर में सब्जियां हो वो इस पर लगा दीजिए। और देखिए पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अगर आपके पास चीज़ हो तो इस पर ज़रूर डालिए, वरना नहीं है तो स्किप कर दीजिए। वैसे भी ये पिज़्ज़ा बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो ये देखिए मैंने चीज़ थोड़ी सी डाल दी थी और ये अच्छे से सिक गया है। और एक प्लेट पर मैंने इसको निकाल लिया है और मैं इसको गरम ही कट कर दे रही हूँ। थोड़ा ठंडा करके कट करें ना तो बिल्कुल पिज़्ज़े के जैसा थोड़ा सा टाइट ही होगा। तो ये देखिए चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है और ये पिज़्ज़ा